गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आज जो है आपके लिए क्या है गाइडेंस, एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। चलिए देखते हैं। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ माइकल के एनर्जी। देखो यहां पे यही कहा जा रहा है कि आप, मुझे जहां तक लगता है कि किसी काम को बहुत मेहनत से करते हुए दिख रहे हो, बहुत मेहनत से उसमें जी जान लगा दिया है आपने, और जो भी काम है ना वो अकेले कर रहे हो आप। ठीक, आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं और आपकी लाइफ में बहुत 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 मुश्किलें चल रही हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके लिए कुछ और भी है जो कि बेहतर है, लेकिन शायद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसके ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपने चुना है ना वही बेस्ट है, वही अच्छा है, उसके उसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं है। आपको ऐसा फील होता है, आपको लग रहा है कि जैसे कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, हर तरीके से आप स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो अपने वर्क के लिए, अपने जॉब के लिए, या फिर अपनी लव लाइफ में भी, बट आपको रिजल्ट बेहतर नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये दिख रही है। चलिए, क्वीन ऑफ एरियल, सिक्स ऑफ गैब्रियल, थ्री ऑफ माइकल, टेन ऑफ माइकल, एंड है मेरे पास एस ऑफ गैब्रियल। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्या कार्ड्स बता रहे हैं? कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों का जो रिलेशन है, ठीक है, आप दोनों का जो रिलेशन है ये कहीं हद तक प्रॉब्लम में है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही निकला है सबसे पहले। ऐसे लग रहा है जैसे धोखे मिले हैं, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है किसी के ऊपर, आप ट्रस्ट करना चाह रहे हो लेकिन आपका ट्रस्ट टूट जा रहा है ना। आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रहे हो लेकिन क्या आपको धोखे ही मिल रहे हैं? आपका पास्ट भी काफी ज्यादा खराब रहा है और आज आपको बहुत सारी बातें याद भी आ रही हैं, बहुत सारी बातें। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये आखिर कब तक चलेगा। ऐसे जैसे लाइफ में इतनी ज्यादा रुकावटें हैं, इतना ज्यादा हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ रहा है, अपनी लव लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। आपके लाइफ में सुकून नहीं है, जो सुकून चाहिए ना वो सुकून नहीं है आपको, और आप यहाँ पे परेशान हो रहे हो, एकदम से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपको। कुछ लोगों का तो हाल ही में ब्रेकअप भी हुआ है, जिसकी वजह से तकलीफ में, दर्द में मुझे दिखाई दे रहे हो आप।
बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है। आप उस चीज को भुला नहीं पा रहे हो जिस वजह से आपको धोखा मिला है, या जिस वजह से आपको एक जो होता है ना कि आपके सपने टूट गए हैं, तो वो आप भुला नहीं पा रहे हो। आपका सपना है सक्सेस करना, ठीक है? आपका सपना है आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन बन रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम बन रही है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम मुझे काफी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम मुझे जो है ना, ये धीरे 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 करके है ना, वो बड़ी दिखाई होती हुई दिख रही है। और आप जो है ना, अधिकतर जो है ना, निगेटिव माइंड लिए हुए रह रहे हो, निगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। निगेटिव थिंकिंग आपकी ज्यादा हो रही है, आपके मन में, आपके विचारों पे आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक, तो कहा जा रहा है कि देखो, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है आपकी लाइफ में, जो भी हुआ है। अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ है ना, तो वो पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता था, इसलिए आपका ब्रेकअप हुआ है। या आपके लायक कुछ और है, ये पर्सन आपके लायक नहीं है, ठीक? तो इसलिए ब्रेकअप हुआ है। तो आपको पास्ट को खत्म करना चाहिए, यानी कि रिलीज करना चाहिए। उन सारी बातों को याद करके आंसू नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि कोई गया है तो कोई आ भी तो रहा है, कोई गया है तो कोई आ भी रहा है। यानी कि अगर लव रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हुआ है, तो कोई नया पर्सन आ रहा है जो कि आपका सोलमेट है, ठीक है? तो आप इस जो भी पर्सन है, इसको भूल जाओ और अपने सोलमेट का इंतजार करो। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में बिजनेस के पर्पस से या जॉब के पर्पस से आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आ रहा है, जिसमें आपको काफी कुछ मिलने वाला है, काफी कुछ, ठीक है? काफी कुछ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ एरियल का कार्ड है, एस ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। क्वीन ऑफ एरियल का कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आपके लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में कई हद तक चेंजेस आने वाले हैं, हैप्पीनेस आने वाली है, एक नया है ना, एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसमें आपको जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से निभानी है और बहुत अच्छे तरीके से निभा करके अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है। तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो चेंज किस लिए होता है? चेंज हमारे बेहतरी के लिए होता है। तो आपको रोना धोना नहीं चाहिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, मेरे अनुसार से जो कार्ड्स बता रहे हैं। चलिए, यस नो का सेशन अब करते हैं। आप अपने मन में पूछिए कोई एक सवाल, उसके जवाब आपको मिलेंगे। कोई एक सवाल पूछिए आप। चलो, कार्ड्स आ गए हमारे पास, कार्ड आ चुका है हमारे पास। यस नो क्या है देखते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यस का तो है बट टाइम लगेगा, यस है बट टाइम लगेगा, ठीक है? आपका जो भी प्रश्न है उसमें टाइम लगेगा पूरा होने में। तो यह है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।